जज ने इमरान खान से कहा कि जमायमा की आधी जायदाद 12,000 करोड़ पाउंड तुम्हारी हुई। याद रहे कि उस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन सहगल और मंशा की कुल जायदाद 2,000 करोड़ पाउंड थी। इमरान खान जज साहब से कहने लगे कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जज साहब हैरान हो गए। हैरानगी से इमरान खान को देखते हुए जमायमा से पूछते हैं कि तुम इस बेहतरीन शख्स से तलाक क्यों ले रही हो। जमायमा खान ने कहा कि इमरान खान अगर लंदन में मेरे साथ रहे तो मुझे तलाक नहीं चाहिए। जज साहब ने फिर इमरान खान से सवाल किया कि तुम लंदन क्यों नहीं रहते। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि वहां गुर्बत, जहालत और नाइंसाफी बहुत है। जज ने जमायमा खान से कहा कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं रहती। जमायमा ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी सियासतदान मुझ पे तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाते हैं और हाल ही में मुझ पर स्मगलिंग का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। याद रहे कि ये मुकदमा नवाज शरीफ ने इमरान खान पर दबाव डालने के लिए करवाया था। फिर जज साहब इमरान खान से बोले कि बच्चे माँ के साथ रहेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया कि जी जज साहब, मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे माँ के साथ ही रहें, क्योंकि जमायमा बेहतरीन खातून है और बेहतरीन माँ है। ये सुनकर जमायमा इमरान खान से लिपट गई और जज इमरान खान की अजमत में खड़ा हो गया और हाथ मिलाया। जज साहब ने जमायमा खान से कहा कि मुझे भी तुम्हारी तरह दुख है कि तुम एक अजीम शख्स से जुदा हो रही हो। इमरान और जमायमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और इतने में जज ने तलाक का ऐलान कर दिया और फिर इमरान खान और जमायमा की आंखों में आंसुओं से बात होने लगी। दोस्तों, ये हैं हमारे सच्चे लीडर जो इस वक्त ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं। अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।